In young age, we invite the troubles. In old age, troubles come uninvited. अर्थात जब हम जवान होते हैं और ताकतवर होते हैं, हम कहते हैं मुसीबतों से आओ हमारे पास आओ, लेकिन बुढ़ापे में तो सारी मुसीबतें खुद ही चलकर आ जाती है, आपको इनवाइट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज मैं आपके लिए क्या लाया हूं, देखें आध्यात्मिक टाइप की, स्पिरिचुअल टाइप वीडियो, दुनियादारी। दुनियादारी कितना बोला जाता है, यदि किसी से कहो इसकी अंग्रेजी बना दो तो ना बनेगी किसी से। वर्ल्डलीनेस इसकी अंग्रेजी होती है, वर्ल्ड माने होता है संसार, और सांसारिक वर्ल्डलीनेस, सांसारिकता वर्ल्डलीनेस, दुनियादारी। और यदि आपको कहना है दुनियादारी के मामले वर्ल्डली अफेयर्स, दुनियादारी के मामले वर्ल्डली अफेयर्स, अफेयर्स ये शब्द यूज किए जाते हैं। दुनियादारी में पढ़ना, मेन शब्द में लाया हूं दुनियादारी में पढ़ना। टू बी इन्वॉल्व इन वर्ल्डलीनेस, आपने कभी ये सेंटेंसेस सुने ही नहीं होंगे, टू बी इन्वॉल्व इन वर्ल्डलीनेस। मैं अब दुनियादारी में पढ़ना नहीं चाहता हूं। यदि हमें ये चीजें आती हैं जो मैं देता हूं, तो आप अंग्रेजी ही तो हैं, सारी अंग्रेजी तो फिर आप बना सकते हैं, ट्रांसलेशन बनाना ही तो अंग्रेजी है और क्या है। यदि आपको ट्रांसलेशन आती है इन चीजों की, यानी प्रत्येक हिंदी की, आप अंग्रेजी कर सकते हैं तो आप अंग्रेजी हुए। वो कौन से ग्रामर सीखते हैं अंग्रेज लोग, कौन सी ग्रामर आती है उनको, तो कितना आसानी से आप बोल पाएंगे, फटाफट फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएंगे आप आसानी से। बच्चे भी मेरी वीडियोस देख देख के आप बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। टू बी इन्वॉल्व इन वर्ल्डलीनेस, मैं अब दुनियादारी में पढ़ना नहीं चाहता हूं। आई डोंट वॉन्ट, देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस, आई डोंट वॉन्ट टू बी इन्वॉल्व इन वर्ल्डलीनेस नाउ, भैया अब मैं नहीं, या एनीमोर ले सकते हैं, यहां पर एनीमोर अब और मैं दुनियादारी में पढ़ना नहीं चाहता। जब ये सेंस होता है कि अब और मैं दुनियादारी में पढ़ना नहीं चाहता, तब यहां पर नाउ की जगह एनीमोर लिखा जाएगा। आई डोंट वॉन्ट टू बी इन्वॉल्व इन वर्ल्डलीनेस नाउ, अब मैं दुनियादारी में नहीं पढ़ना चाहता। एनीमोर अब और मैं दुनियादारी में नहीं पढ़ना चाहता। यू आर ओल्ड, तुम बूढ़े हो गए हो भाई। यू आर एजेड नाउ, अब तुम बूढ़े हो गए हो। यू आर ओल्ड सो यू शुड नॉट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन दिस वर्ल्डलीनेस, तुम्हें इस दुनियादारी से कब छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए इसमें, क्योंकि तुम अब बूढ़े हो गए हो। अब बूढ़े हो यार, क्या दुनियादारी में पड़े रहोगे। माई ग्रैंड फादर इज नॉट इन्वॉल्व इन वर्ल्डलीनेस नाउ, मेरे जो दादाजी हैं वो अब दुनियादारी में बिल्कुल नहीं पढ़ते, कभी इस तीर्थ पे चले जाएंगे, कभी इस तीर्थ पे चले जाएंगे, अब दुनियादारी में पढ़ते ही नहीं। माई ग्रैंड फादर इज नॉट इन्वॉल्व इन वर्ल्डलीनेस नाउ, अब मेरे दादा ही दुनियादारी में नहीं पढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर वॉज नॉट इन्वॉल्व इन वर्ल्डलीनेस एट ऑल, मेरी जो दादी थी वो बिल्कुल दुनियादारी में नहीं पढ़ती थी, कोई कुछ करता रहो उन्हें मतलब नहीं था। वाई आर यू सो इन्वॉल्व या सो मच इन्वॉल्व, तुम इतने ज्यादा दुनियादारी में क्यों पड़े हुए हो यार। वाई आर यू सो मच इन्वॉल्व या Why are you involved so much in this useless worldliness? Useless, बेकार की, किसी काम में आने वाली नहीं है। भगवान का भजन करो, दुनियादारी छोड़ो। Why are you involved so much in this useless worldliness? तुम अब भी इस दुनियादारी में इतने ज्यादा पड़े हुए हो, अरे छोड़ो। Leave it all, सब चीज छोड़ो। तुम इतनी ज्यादा दुनियादारी में क्यों पड़े हुए हो, क्योंकि ये यूजलेस है, यूजलेस माने बेकार है, किसी काम में नहीं आने वाली। कैसी लगी है मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।